हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। लुब्रिकेशन सीरीज में आज हम जानेंगे डीप पैन कन्वेयर प्लस बकेट एलिवेटर में जितने भी रोटेटिंग पार्ट हैं उसमें कौन कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज होता है, कौन कौन सा लुब्रिकेशन यूज होता है। पहले हम बात करते हैं डीप पैन कन्वेयर। डीप पैन कन्वेयर के ड्राइव में आप देखते हैं क्या रहता है। मोटर रहेगा, गियर बॉक्स रहेगा, प्लस हेड पुल्ली, हेड स्प्रॉकेट और टेल स्प्रॉकेट रहेगा, प्लस जो बकेट है बकेट में माउंट रहता है रोलर। तो जो मोटर है, मोटर के बीयरिंग में आप नॉर्मली EP2 का ही ग्रीस यूज कीजिए। जो जितने भी गियर बॉक्स लगे हैं, सप्लायर रिकमेंड करता है ISOVG 460 का आयल, या कहीं कहीं मैं ISOVG 320 का ही आयल देखा हूं, क्योंकि गियर बॉक्स में हमेशा आप देखते होंगे गियर प्लस बेयरिंग दोनों रहता है, तो वहां पर मिस का ही आयल यूज होता है। तो वहां पर सर्वो सिस्टम SP 460 या सर्वो सिस्टम मिस SP 320 का ही आयल यूज होता है। उसके बाद जितने भी रोलर हैं वहां पर EP2 का ही ग्रीस, आप सर्टेन इंटरवल पे, हर एक 3 या 4 महीने के इंटरवल पे आप EP2 का ही ग्रीस हमेशा हर एक रोलर में करना चाहिए। जो हेड स्प्रॉकेट का बेयरिंग हाउसिंग है वहां भी EP2 का ही ग्रीस यूज कीजिए, और टेल स्प्रॉकेट का जो बेयरिंग हाउसिंग है वहां भी EP2 का ही ग्रीस यूज किया जाता है। अब बात करते हैं जो बकेट एलिवेटर है। बकेट एलिवेटर का टॉप में आप देखते होंगे एक मोटर लगा है, गियरबॉक्स लगा है, फ्लूट कपलिंग लगा हुआ है, और प्लस पिन पुश कपलिंग भी लगा रहता है। डायरेक्ट टॉर्क आर्म डिजाइन का है तो डायरेक्ट फ्लूट कपलिंग के साथ ही कनेक्ट रहता है गियरबॉक्स, और गियरबॉक्स सीधा कनेक्ट रहता है शाफ्ट पे। तो जो गियरबॉक्स है वहां भी ISOVG 320 और कहीं कहीं में देखा ISOVG 460 का भी आयल यूज होता है। हैवी ड्यूटी के लिए 460 का आयल यूज होता है। तो सर्वो मेस SP 460 का आयल गियरबॉक्स में यूज होता है। जो मोटर है वहां पर EP2 का ग्रीसिंग लुब्रिकेशन के रूप में किया जाता है, प्लस जो बकेट एलिवेटर का हेड ड्रम है और टेल ड्रम है तो वहां पर देखते होंगे जो हेड है वहां हेड ड्रम में आप बेयरिंग हाउसिंग में EP2 का ही ग्रीस यूज होता है, और टेल ड्रम में दो टाइप का, क्योंकि वहां पर डस्टी इन्वायरमेंट रहता है। तो वहां पर जो जनरली सीमेंट प्लांट में देखते होंगे वहां पर नाई हार्ड बेयरिंग का यूज होने लगा है। तो नाई हार्ड बेयरिंग नॉन लुब्रिकेटेड टाइप का रहता है, उसका लुब्रिकेशन करने की जरूरत नहीं रहता है, और जब डैमेज हो तो सीधा उसका जो बेयर पार्ट है बेयर पार्ट को आप रिप्लेस कर दीजिए। और प्लस कहीं कहीं आयल लुब्रिकेटेड टाइप का भी रहता है। आयल लुब्रिकेशन जो टाइप का है SE90 ग्रेड का आयल यूज होता है, तो SE90 आयल यूज किया जाता है बेयरिंग एप्लीकेशन के लिए। प्लस कहीं कहीं जो बकेट एलिवेटर आप देखते होंगे जो टेल स्प्रॉकेट एरिया है वो बेयरिंग हाउसिंग बाहर साइड में कनेक्ट रहता है, तो बाहर साइड में तो नॉर्मली EP2 का ही ग्रीस यूज होता है। तो ये था मोटा मोटा जो डीप पैन कन्वेयर और प्लस बकेट एलिवेटर में कौन कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम, कौन कौन सा ऑयल और ग्रीस यूज होता है। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जनरली इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, प्लस आपके नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी है कि कौन कौन सा ग्रीस, कौन कौन सा ऑयल यूज होता है। ऑयल और ग्रीस को बहुत ही प्रिकॉशन के साथ में यूज कीजिए, उसमें डस्ट कंटामिनेशन ना आने पाए, क्योंकि इसके पहले भी आप वीडियो में देख रहे थे कंटामिनेशन कितना हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है, बेयरिंग को डैमेज करता है, प्रीमैच्योर फेलियर होते हैं बेयरिंग का। तो इसलिए कंटामिनेशन से दूर रहे, प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन सिस्टम के साथ ही लुब्रिकेशन कीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी है उससे होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन रहा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।